हाय गुड इवनिंग गाइस। तो अभी है घर के पास, तो यहाँ से जाने का प्लान हो रहा साउथ हॉल पार्क। वहाँ पे कुछ एग्जीबिशन टाइप चल रहा, वहाँ पर जाने का इरादा है। जाएंगे अभी अपन वहाँ पर, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और इस काफ़ी दिन बाद जो है ना वीडियो बनाना पड़ा, थोड़ा बहुत बिजी बिजी चल रहा था, तो आज एक्सप्लोर करेंगे फुल टू रमज़ान मुबारक, सॉरी बिलेटेड ये रमज़ान के जना अपने 16-17 रोज़ा हो गए, उसके बाद बना रहे अपन। खैर एनी वेज, पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंट में चेंगे बताता हूँ मैं आपको। ये आगे पार्क के एंट्रेंस में राइट साइड में है क्रिकेट खेलने की जगह, और ये है वॉकिंग प्लेस। आगे जाने के बाद जो है ना हमें दिखेगा एग्जीबिशन। ये है ग्लिम्स एग्जीबिशन के, काफी सारे इंडियंस नजर आते हुए, रमजान का माहौल भरपूर। ये देखे तो नामपल्ली का एग्जीबिशन याद आ रहा मेरे को। ए बच्चों का काम बड़ों का ज्यादा दिखा। काफी सारे इंडियंस यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, ऑलमोस्ट पंजाबी लोग हैं। नामपल्ली का एग्जीबिशन दिख रहा, लेकिन एक मसला है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ा नहीं है, यहाँ पर काफ़ी महंगे हैं हर चीज़, एक एक 800 रुपये 1000 रुपये। Thank you.
गाइस अभी हो गया है हम लोग का रोने का टाइम, तो फोर्सफुली आना पड़ा। अच्छा था, उतना खास नहीं था। अपने हैदराबाद की एग्जीबिशन में गया था ना, बेहतरीन हर जगह हरियाली, आई मीन टू से हर जगह खाने की खुशबू रहती है। यहाँ पे उतना खास नहीं था, झूले थे अच्छे थे, बट खाने के लिए तो अपन खा भी नहीं सकते वैसे, तो रमजान है। सोचा था 10 बजे तक था, तो सोचे हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वी कांट ईट देयर बिकॉज वहाँ पर खाने नहीं हैं। इसके लिए जो ना आ जाना पड़ा। खैर एनीवेज आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। टिल देन स्टे क्रांति।